बाकी भैर जी, राधा कहते हैं कि हमें अपने कर्म करने चाहिए और बाकी सब आप पर छोड़ देना चाहिए और आप भी उसी की हेल्प करते हो जो खुद अपनी हेल्प करता है। आपने देखा ना, पहले मोहन मेरी बात नहीं मान रहा था, फिर कैसे उसने एकदम मेरी बात मानी। अब मोहन, बुआ, फूफा जी सब मिलकर राधा को ढूंढने गए हैं। मैं यहाँ दादी और पूरे घर का ख्याल रख रही हूँ और राधा जहाँ भी होगी, आई एम श्योर आप उसकी पूरी केयर कर रहे होगे और राधा भी घर आने के लिए 100% ट्राई कर रही होगी। हम सब अपना काम कर रहे हैं, अपनी खुद की हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज आप भी हमारी हेल्प कीजिएगा, जैसे आप अपने सुदर्शन चक्र से सबकी रक्षा करते हो, वैसे मेरी राधा की भी रक्षा करना। प्लीज बाकी बहर जी, प्लीज। बटन बाहर है। मोहन जी, हम जानते हैं कि आप इस सब का दोष अपने आप को दे रहे होंगे। हमारी इस हालत का दोष अपने आप को समझ रहे होंगे। मैं सोचिए ऐसा मोहन जी, हमारा तो सिर्फ एक छोटा सा झगड़ा हुआ था। हमारा शरीर नश्वर है और हमारी आत्मा अमर है। हमारी आत्मा हमारे शरीर से अधिक शक्तिशाली है। हमारा मोहन जी के लिए गुन 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 के लिए हमारे दर्द से कोई ज्यादा है। नहीं नहीं, मर नहीं सकते, हमें अपने पति अपने बच्चे के लिए जीवित रहना ही होगा। हम मर नहीं सकते, हमें हार नहीं माननी, हमें लड़ना है, उन दोनों के लिए जीवित रहना है। साथ दीजिए, साथ दीजिए।
थी गुड़ पान वापस फोन कट कर दिया और मोहन भी फोन नहीं उठा रहा है। ये क्या हो रहा है दादी? कहीं वहां कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है? कुछ नहीं हुआ है। पहले तुम शांत हो जाओ। वो क्या है ना, मोहन, फूफा जी, बुआ, ये सब लोग राधा को ढूंढ रहे होंगे ना, इसीलिए शायद फोन नहीं उठा रहे होंगे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, देखना वो लोग अभी आ जाएंगे तुम्हारी राधा को लेकर। बैठो, कुछ नहीं होगा। हमने गुनगुन को तो दिलासा दे दिया, पर हमें दिलासा कौन देगा? फिक्र तो हमें भी हो रही है, ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं। बाकी बिहारी जी, सब ठीक रखना। ये कद्दू गुनगुन को कितनी भी तसल्ली क्यों ना दे, लेकिन हमें पता है कि वो 2.5 फुट जुड़े बर्फ में मर ही जाएगी। एग्जैक्टली, अब उस बेचारी राधा को कौन ही बचाएगा, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रखवाला तो खून जेल के अंदर है। तड़प तड़प के मरेगी बेचारी। बाकी बिहारी जी, अब आप हार नहीं मान सकते। इतनी लड़ाई कर हम यहाँ तक पहुंचे, अब हम बिल्कुल भी हार नहीं मान सकते। गुनगुन हमें कितना याद कर रहे होंगे, मोहन जी भी हमें ढूंढ रहे होंगे। हमें इन दोनों के जीव में तरह तरह नहीं होगा। मोहन जी जल्दी आ जाए, हमें ढूंढते हुए हम हार नहीं चाहिए। मोहन
कांस्टेबल वो डंडा लेके आओ जो सुबह तेल में भिगा कर रखा था। कुछ अड़ियल घोड़ों की चर्बी डंडों से ही निकलती है। कांस्टेबल के लिए पहले हमें इसकी जाली को तोड़ना होगा और उसकी पंखुड़ियों को भी तोड़ने की कोशिश कर रही होगी। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम। श्री कृष्ण शरण जितनी भी तकलीफ हो अब सब कुछ सह लेंगे। अब हम बाहर निकल कर ही दम लेंगे। मोहन भैया, मोहन भैया, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। के सर मेरे भैया जो बिना वजह मार रहे हैं, प्लीज प्लीज हमें अंदर जाने दीजिए। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं। जो बिना परमिशन के घुसे चली आओगी, पीछे हटो। अब टूटे हुए पाव से कैसे जाएगा अपनी राधा को ढूंढने मोहन? बोल। मैं तो क्या, हाथ भी तोड़ दे सर फोड़ देना, लेकिन जब तक मेरे अंदर जान बची है, सांसें बची है ना, मैं अपनी राधा को बचाने जरूर जाऊंगा। दादी मुझे भी जाना है। नहीं गुनगुन, हम तुम्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जा सकते। तुम वहां नहीं चल सकती बेटा, हमारा जाना बहुत जरूरी है। पर क्यों? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो बच्चों के जाने की जगह नहीं है।
और हमें नहीं पता वहाँ क्या चल रहा होगा। तुम वो माहौल देखकर शायद घबरा जाओगी। नहीं मत रो बेटा, हम वादा करते हैं, हम मोहन और राधा को सही सलामत वापस ले आएंगे। चलो राहुल। दादी मैं बता रही हूँ आपको मम्मा, अगर मेरे मोहन को कुछ हो गया ना तो मैं आपके भाई को भी जीने लायक नहीं छोड़ूंगी। जब मुझे कुछ भी होता है तो राधा मेरे साथ होती है, अगर मोहन को कुछ होता है तो वो हमेशा उसके साथ होती है, और जब राधा को कोई प्रॉब्लम होती है तो मोहन भी हमेशा उसके साथ रहता है। आज राधा मोहन दोनों प्रॉब्लम में हैं, तो मुझे उनके साथ होना चाहिए ना दादी। हम तुमसे प्रॉमिस करते हैं, हम राधा मोहन को सही सलामत वापस ले आएंगे। बेटा हमें अभी जाने दो, हमें नहीं पता वहाँ क्या हो रहा होगा। कुछ भी हो रहा होगा पर मैं हैंडल कर लूंगी, आई प्रॉमिस, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी। राधा कहती है कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। दुलारी को हम पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी आपके साथ आ रही हूँ। दामिनी प्लीज प्लीज, तुम कहीं नहीं जा रही हो, हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा है कि राधा के गायब होने में तुम्हारा ही हाथ है। इस घर से बाहर जाने के ना बहाने ढूंढ रहे, और वो बहाना हम तुम्हें नहीं देंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, इसी घर में रहोगी। तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे कि यारे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे ले आ रे, समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तो सूरज लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। मैं सबको बचा के रहूंगा। मैं तुम्हें हर्ट होते मैं नहीं देख सकती। I love you मोहन। पापा। जुबानियां तेरी झूठी भी सच लागे, तू मेरा कोई ना बदले में इतनी तो यार।
किस मिट्टी का बना है तू? तेरा मार खाने के बाद भी हंस रहा है? बिल्कुल सही था, राधा यहीं पर गई थी, अब नहीं है। जाकर मोहन को बताना होगा और उसे यहाँ पर लेकर आना होगा कि राधा यहीं पर कहीं पर होगी आसपास। दुनिया में चाहे किसी को भी कितना भी नुकसान पहुंचा दूं, लेकिन मैं मोहन को कभी चोट नहीं पहुंचा सकती हूं। और आप ये बात जानती हैं। आप मोहन से जितना प्यार करती है ना, उससे ज्यादा ना सही, लेकिन उतना ही प्यार मैं भी मोहन से करती हूँ। माँ प्लीज स्टॉप इट। अभी हमारा पुलिस स्टेशन पहुंचना बहुत जरूरी है, हमारे पास फ्राई है। चलो गुण गुण। दादी, ये लोग ना ऐसे नहीं मानने वाले, इन दोनों को रूम में लॉक कर देते हैं और इनका फोन ले लेंगे। अरे बिटिया, हम तुम्हारी दादी और ये दामिनी है, हम कोई गुंडे मवाली चोर नहीं है जो हमें बंद कर देगी और हमारे फोन ले लेगी। राहुल, दामिनी और दीदी को कमरे में लॉक कर दो और याद रहे, उनके फोन्स लेना मत भूलना। कद्दू, चलो गुनगुन। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए ना मेरे साथ, प्लीज मुझे मोहन के पास जाने दीजिए। माँ, अगर मैं घर में रही ना तो टेंशन और घबराहट से मेरी जान चले जाएगी। माँ प्लीज प्लीज। तू देख तो सही, अरे हमारी बिटिया तुम्हारे पैरों में गिर चुकी है। मोहन की एक झलक देखने के लिए वो कितनी तरस रही है। ले जाना उसे अपने साथ, मान ले रखे वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारी नजरें उस पर टिकी रहेगी। वो बहाने सही, पर ले जाओ उसे।
इतना वक्त नहीं है हमारे पास ये सारे नाटक के लिए। उठो चलो चलो गुनगुन। चल बेटी। हे प्रभु, इस निर्दोष विधवा की गुहार सुनती ना। उनके पास पहुंचना। यही एक यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। बस थोड़ी देर और राधा। नहीं रहा है पाके बिहारी जी, अब हम इसे कैसे खोलें? कोई कोई तो रास्ता दिखाइए, कोई तो रास्ता। कहाँ गया हमारा फोन? अरे तुम फोन छोड़ो, ये पत्थर लो, ये गुड लक का है। हमारे घर से जब भी कोई भाग जाता है ना तो हम एक डाल देते उनके। अच्छा बस पाके बिहारी जी की जय। अरे ये क्या कर रही हो तुम? क्यों फोन ढूंढ रहे? अरे आगे ऐसे लट लटका होगी तो काम कैसे करोगे? तुम्हें काम पर ध्यान देना है, जुल्फों पर नहीं। जी कैसे लग रही हो तुम? एक सेकंड। अच्छा वो फोन नहीं मिल रहा था ना। तो आजकल क्या लेकर घूम रहा हूँ मैं? पता था डालना है तुम्हारे बालों पर। ऐसे करो। हाँ ये हुई ना बात। ये तरका करो, इसको तो हम ऐसे हाथ से ही बंद कर देंगे। ये देखो हो गया ना लट, उड़ उड़ू है। पर वो अच्छे लग रहे थे ना? अब बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अच्छा और ऑफिस में ध्यान देना और अच्छे से काम करना। जी हमसे इतना दूर रहकर भी हमारी हिम्मत बने हुए। राधा माना तुमसे दूर हूँ पर फिर भी तुम्हारे साथ हूँ। हिम्मत मत हारना, लड़ते रहना। गुनगुन गुनगुन तुम क्यों रो रही हो यार? गुनगुन तुम्हें पता है ना तुम्हारे पापा सुपरमैन है, कुछ नहीं होता उन्हें। ये बाहर जाऊंगा मैं, तुम रोना बंद करो। और यार राहुल अजीत तुम लोग क्यों रो रहे हो यार? और मार गुनगुन को क्यों लेकर आए यहां पर? हाँ तुम एक काम करो, तुम लोग माँ और गुनगुन को लेकर घर जाओ ना प्लीज यार। हम कहीं नहीं जा रहे हैं मोहन।
बहुत दर्द हो रहा होगा ना वो। मेरी छोड़ यार, आप सब लोग राधा की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ है वो, किस हालत में है, कैसी है, हमें हमें उसे ढूंढना है। यादव जी सर, इन सबको बाहर निकालो, ये पुलिस स्टेशन है, इनके घर का आंगन नहीं। आए तब से फैमिली ड्रामा लगा रखा है यहाँ पे। ड्रामा तो हम बनाएंगे और वो भी तुम्हारा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी हमारे बेटे को हाथ लगाने की? आज तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम। ओ मैडम, थोड़ी अपनी आवाज नीचे रखिए। इनकी फैमिली में तो सब मुझे गुंडे ही लगते हैं। बेटे के बगल वाला लॉकअप खाली है, डाल दूं उसमें? फिर बैठे रहना माँ और बेटे लॉकअप में। मेरी माँ को हाथ भी मत लगाना। माँ है हमारी, अकेली नहीं है वो। अगर तुमने दादी को टच भी किया ना, तो पूरा त्रिवेदी परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? कादंबरी त्रिवेदी है ये, हमारी छोटी बहन है। आपको ऐसे उंगली पर उठाकर बाहर फेंक देगी और पता भी नहीं चलेगा। तुम सब लोग मिलके मुझे डरा रहे हो मेरे ही पुलिस स्टेशन में। तो अब इसी डंडे से इसे इतना मारूंगी कि अपनी शक्ल तक नहीं पहचान पाएगा। हमारी पूरी फैमिली उनके साथ है, वो अकेले नहीं है। दूर रहना मोहन से। यादव सर, आपके चेहरे पे निशान कैसा? तू डंडा दे। प्लीज सर। अरे खबरदार जो हमारे बेटे को हाथ भी लगाया तो। कौन रोकेगा हमें? हम रोकेंगे तुम्हें। डीसीपी सर, आप? जैन सर। क्या हो रहा है सर? ऐसे होती है ड्यूटी सर। वो सब पता चल चुका है हमें। ड्यूटी की जगह पर मनमानी चल रही है तुम्हारी। तुम्हें यहाँ जनता की मदद के लिए रखा है या परेशान करने? तुम जैसे ऑफिसर की वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लोग मदद मांगने के लिए आते नहीं हमारे पास, हमें अपना दुश्मन समझते हैं, डरते हैं हमसे। तुमने मारा इसे, सर उसने पहले मुझ पे हाथ उठाया था। क्यों उठाया था? ऐसा क्या किया था तुमने? ये यहां पुलिस स्टेशन में अपनी मिसिंग वाइफ की कंप्लेंट लिखाने आए थे ना? और एक्शन लेने की बजाय तुमने इन्हीं के साथ बदतमीजी की। रात भर से एक लड़की मिसिंग है,
उसको ढूंढने की बजाय तुम इस आदमी से बदला ले रहे हो। वरना यही सस्पेंड कर दूंगा तुम्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ो हमारे बेटे को। तुमने सुना नहीं? छोड़ो मोहन को। नहीं सर, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। How dare you disobey me? मैं तुम्हारा सीनियर हूं और एक शरीफ आदमी को मारने के लिए तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर सकता हूं। आप जिस शरीफ आदमी की बात कर रहे हैं ना सर, उसने पब्लिक सर्वेंट पे हाथ उठाया। इसलिए मैंने उसे लॉकअप में डाला है। और आप मुझे डांट रहे क्योंकि उसने मुझ पे हाथ उठाया, आप पे नहीं। सॉरी सर, लेकिन अगर उसने आपके साथ ये किया होता ना, तो आप भी यही करते। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं करता। मैं प्रोटोकॉल फॉलो करता, उसे इस तरह मारता नहीं। तुमने उसे बस अपनी अकड़ की वजह से मारा है। अब बहस बंद करो और मौन को छोड़ो। ये लोग क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं? कैसे बताऊं उन्हें कि राधा कोल्ड स्टोरेज में, और उसे वहां पर जाकर ढूंढना पड़ेगा। जल्दी कीजिए। डीसीपी सर, मुझे मेरी राधा को ढूंढने जाना है। वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में, उसे मेरी जरूरत है। प्लीज जाने दो मुझे। अगर अंदर गए तो ठंड से हालत खराब हो जाएगी, और यहाँ भी कितने देर तक लटके रहेंगे? ये पाए भी कभी भी टूट सकती है। भाग्य बिहारी जी, करे भी तो क्या करे, क्या करे हम? यहाँ से तो बाहर जा नहीं सकते। हमें इस ठंड वाले कमरे के अंदर जाकर ही बाहर जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। फिक्र मत करो, हम देखते हैं। क्या देखते हैं? रुक जा कद्दू, रुक जा। देख, तो अच्छी तरह से जानती है कि हमारी दामिनी कुछ भी करेगी, लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करेगी जिससे मोहन को नुकसान हो। तुम्हें जो करना था तुमने सब कर लिया ना? हुआ कुछ नहीं ना? बस अब हमारी बिटिया को करने दो। तुमसे जो नहीं हुआ वो करके दिखाएगी। आई बात समझ में? गुड गुड बेटा, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें मोहन को जेल से निकालना है, राधा को ढूंढना है। हम जो कर सकते थे हमने कर लिया।
अब एक मौका हम दामिनी को जरूर दे सकते हैं। मोहन के लिए ही सही। दादी वो जो भी करते है रॉन्ग करती है, राइट तो उसे कुछ करना आता ही नहीं। हाँ हम समझते हैं, हम जानते हैं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है बेटा। देख चुईया, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तू हमें और हमारी बिटिया को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। वैसे भी हम तुम्हें भी कुछ ज्यादा पसंद नहीं करते, समझी? लेकिन तुम्हें एक बात भी अच्छी तरह से पता है कि हमारी दामिनी कितनी चालाक है। वो कुछ न कुछ तिकड़म करके तुम्हारे मोहन को बाहर निकाल ही लेगी, समझ गई? इस वक्त चुप रह। दामिनी तो चालाक है ही, पर अगर आप लोग भी कोई चालाकी कर रहे हो तो फिर याद रखना मैं भी बहुत चालाक हूँ। बताइए हमें, अब तो हम एक टीम में है ना? बस अब दामिनी हुआ क्या है? अरे कुछ तो बोलो, क्या हुआ? क्या हुआ अंदर? वो सर, मैं को रिक्वेस्ट कर रही थी ताकि वो मोहन को छोड़ दे, बट पता नहीं है ना अचानक से गुस्सा आ गया और वो मुझे मारने लगे। मुझे लगता है इनका ना दिमागी संतुलन हिल चुका है सर, प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचाइए इस आदमी से। सर ये झूठ बोल रही है सर। What the hell is going on, DCP साहब? बोला था ना मेरे परिवार से दूर रहने। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, झूठ बोल रही है लड़की। शट अप, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो इस लड़की को चोट कैसे लगी? क्या ये झूठ बोलेगी? खून भी बह रहा है इसका। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने इस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया, इसने खुद को मारा फिर चिल्ला चिल्ला के भाग के यहाँ आ गई। सर मैंने इसे हाथ नहीं लगाया सर। मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या कि मैं खुद को मारूंगी? ये क्या बकवास कर रहा है डीसीपी साहब? झूठ मत बोलो इंस्पेक्टर, जिस तरह से तुमने मोहन को मारा है ये बात बिल्कुल साफ है कि इस लड़की को भी तुम ही ने मारा होगा। और इस हरकत की वजह से तुम्हें अभी के अभी सस्पेंड कर सकता हूं। इनफैक्ट तुम पर क्रिमिनल ऑफेंस का चार्ज लगा सकता हूँ। हाँ सर लगाइए चार्ज, इनफैक्ट अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। सर ये लड़की झूठ बोल रही है। सर आप इसकी बात कैसे मान रहे हैं? ना ही इसके पास कोई सबूत है, ना ही वीडियो रिकॉर्डिंग। वीडियो रिकॉर्डिंग? तो बताइए क्या उम्र है आपकी पत्नी की? सर 21। इस पुलिस वाले की अकेला पीठ खाने लगाती हूँ, पूरी फिल्म छापती हूँ उसकी। सर ये मुझे फंसा रही है सर। वैसे ही जैसे तुमने मेरे भैया को फंसाया। अगर आज मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो इन लोगों का तो पुलिस पे से भरोसा उठ जाएगा। यू आर सस्पेंडेड सर। कादंबरी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अभी आपके बेटे को छोड़ता हूं। कांस्टेबल
चलो दामिनी, हर जिंदगी में पहली बार इतने पापों के बीच में तुमने कुछ तो पुण्य का काम किया। आज पहली बार तुम्हारा टेढ़ा दिमाग किसी अच्छे काम आया। मोहन, तुम्हारी हालत देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, लेकिन राधा को ढूंढना भी तो जरूरी है, और तुम्हारे अलावा राधा को कोई नहीं ढूंढ सकता। मोहन चलो राधा को ढूंढते। राहुल मुझे मोहन राधा के पास आना चाहिए ना। तुम्हें मोहन चाहिए आपको? मोहन भाई, मोहन, पता नहीं कौन सी कलम से किस्मत लिखवा कर आई है वह चुड़ैल। अरे चॉकलेट के रेपर ने मोहन को रास्ता तक दिखा दिया। वाह बाके बिहारी जी, सारी दुनिया एक तरफ और आपकी राधा एक तरफ। अब तो अगर बाके बिहारी जी स्वयं भी प्रकट हो जाए ना, फिर भी राधा को नहीं बचा पाएंगे, कि अब तो मिलेंगे उसकी कुल्फी बनी हुई लाश। स्टोरेज गए थे सर। हाँ क्यों? बिटिया अगर सच में मोहन राधा के पास पहुंच गया तो पहुंच जाने दो ना उसे। वहां उसे राधा की लाश मिलेगी, वो भी ठंडा ठंडा गोल गोल। आपने वहां पर राधा को देखा? राधा? कौन राधा? सर राधा मेरी बीवी राधा सर। सर कोल्ड स्टोरेज में आपने किसी लड़की को देखा वहां पर? प्लीज नहीं तो कोल्ड स्टोरेज तो खाली था। सर एक बार हमें चलकर चेक कर लेने दीजिए, आप चले ना। पर क्यों? सर मेरी वाइफ आपके कोल्ड स्टोरेज में फंसी हो सकती है। आपसे एक विनती है, चाहे आप हमारे शरीर को नष्ट कर दीजिए, बेटा मोहन जी और गुनगुन को देखे बगैर हमारे हादसों को कहीं मत लेके ले जाइए ना। आज अगर हमारा अंतिम दिन है, तो हम जानना चाहते हैं कि जितना प्रेम हमने हमारे मोहन जी से किया, क्या वो
मोहन जी, हम सब उतना है रेप करते हैं, बस हमारी यही विनती है बाकी जी। राधा ने खुद को ठंड से बचाने के लिए आग जलाई होगी माँ। खुद को इस कार्डबोर्ड से भी कवर करने की कोशिश की होगी उसने माँ। ये स्पाइन को तोड़ कर रहा उसने इवेंट में घुसने की कोशिश की होगी। और ये रैक पर चढ़कर वो ऊपर गई होगी और इस रैक से वो वेंट के अंदर गई होगी और माँ राधा वेंट में है माँ। राधा तुम जहां भी हो ना मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है ना, बस बस थोड़ी देर और राधा मैं आ रहा हूं। बाल तो राधा के
और ये तो राधा की घड़ी का टूटा हुआ हिस्सा है। जरूरी है एग्जॉस्ट फैन से कट गए होंगे। मैं गुनगुन को ये सब नहीं दिखा सकता, वो रो पड़ेगी, टूट जाएगी वो। पता नहीं क्या क्या सोचेगी। इसके आगे तो और कोई रास्ता नहीं है। इसके आगे राधा नहीं जा पाई होगी और वापस लौट गई होगी। ये तो हिल रहा है, कभी भी टूट सकता है। मुझे यहां से वापस जाना चाहिए। ना ही पूरी टुडेल है, ना तो स्टोरेज में है और ना ही इवेंट में, तो कहीं कहां। मोहन बेटा, अरे सर, मैंने तो पहले ही आपको कहा था कि आपकी बीबी यहाँ नहीं है। हाँ ठीक है मोहन, चलो बेटा बाहर चलकर राधा को ढूंढते हैं। चलो जी, हमारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मरते मरते इस बात की तसल्ली रहेगी कि हमने हमारे मोहन जी, हमारी गुनगुन और हमारे पूरे परिवार को देख लिया। माखे बिहारी जी, हमारे मोहन जी, हमारी गुनगुन और हमारे पूरे परिवार को ये पीड़ा सहने की शक्ति दीजिएगा। मोहन जी और गुनगुन को दामिनी जी से बचाइएगा, उनकी रक्षा कीजिएगा। मोहन जी, गुनगुन, राधे राधे, श्री कृष्ण शरणम् मम।
श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम, मोहन तुम्हारा घुटना परमानेंटली डैमेज हो सकता है मोहन। हो सकता तुम आगे कभी जिंदगी में चल भी ना पा। हम सब खड़े हैं ना, प्लीज तुम बैठ जाओ। सामने ये प्रार्थना अगर मेरी है ना, तपस्या भी मेरी होगी। आज जब तक राधा नहीं मिल जाती ना, मोहन की तपस्या खत्म नहीं होगी। बिहारी जी, राधा को मेरी जरूरत है, प्लीज मुझे राधा तक पहुंचा दो। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। मैं एकादशी का व्रत रखूंगा, मैं प्याज लहसुन नहीं खाऊंगा, मैं आपकी पूजा करूंगा, तिलक लगाऊंगा, जनेऊ पहनूंगा, सुबह शाम आपकी भजन गाऊंगा। प्लीज मुझे मेरी राधा लौटा दो, प्लीज। मैं कभी राधा से नहीं झगड़ूंगा, जैसा वो कहेगी ना मैं वैसा ही करूंगा। मैं काम करूंगा, मैं ऑफिस जाऊंगा, मैं घर में ऑफिस बनाऊंगा बाकी बिहारी जी, लेकिन प्लीज मेरी राधा तक मुझे पहुंचा दो प्लीज। बाकी बिहारी जी मेरे बच्चे की हालत तो देखिए। विनती करती हूँ, सुन लीजिए इसके पुकार। बाकी बिहारी जी देखिए, मोहन इतनी टफ सिचुएशन में भी 1 लाख पर खड़े होकर इसलिए प्रे कर रहा है बिकॉज वो राधा से लव करता है। राधा कहती है कि आप लव करने वालों का हमेशा साथ देते हो। आप भी तो राधा रानी से लव करते थे ना, और जब वो चली गई थी तो आप भी तो बहुत सैड हो गए थे। आप तो गॉड हैं, पर मोहन तो एक नॉर्मल इंसान है। उसके राधा मत छीनो प्लीज। उसी भाभी के जाने के बाद मुझे तो लगा था कि मोहन भैया में प्यार करने की हिम्मत ही नहीं बची है किसी से। लेकिन अब देखकर लग रहा है कि मोहन भैया दोबारा प्यार करने लगे। मुश्किलों से खुशी आई है मोहन भैया की जिंदगी में बाकी प्यारी थी। प्लीज उनसे उनका प्यार मत छीनिए। श्री कृष्ण शरण मम, श्री कृष्ण शरण मम।
सिर्फ बाकी बिहारी जी वो टाइप टूटर की पार्टी में थे, अब गणपति बापा भी उसकी पार्टी में हो गए। हे प्रभु, तू कहां से आ गया? मूषिक भैया, आपके पास राधा के साड़े का टुकड़ा है, मतलब आपको पता है कि राधा कहाँ है? प्लीज हमें उसके पास ले चलो, प्लीज। अरे ये क्या नौटंकी चल रही है, ये चूहा है चूहा, कोई पोस्टमैन नहीं जो इससे राधा का पता पूछ रहे हो। इसे क्या बात कर रही है दीदी? वो बात चूहे से नहीं गणेश जी से कर रही है। आप चुप रहेंगी प्लीज। विघ्नहर्ता की सवारी मूषक जी। प्लीज अगर आपको पता है कि हमारी राधा कहाँ है तो प्लीज हमें उसके पास लेकर चलिए ना। प्लीज मूषक भैया बताइए ना राधा कहाँ है, प्लीज बताइए। दरवाजा तो लॉक है, वो ओनर का है। तो मोहन भैया वो तो लॉक करके कब का चला गया? भगवान से प्रार्थना तो इन लोगों ने की, लेकिन भगवान ने सुनी हमारी। जब तक ये कोल्ड स्टोरेज खुलेगा तब तक तो राधा मर चुकी होगी। ओनर का नंबर तो नहीं है हमारे पास, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोल्ड स्टोरेज हम आज खोल पाएंगे। और वैसे भी ये चूहा एंड ऑल इन पे भरोसा करके तो हम टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं ना। हम ऑलरेडी ढूंढ चुके हैं, राधा अंदर नहीं है, फिर दोबारा चेक करने का क्या लॉजिक बनता है? और दूसरी बार देखने में प्रॉब्लम क्या है दामिनी? पर माँ दामिनी बस ना यार, बस लॉजिक की नहीं बात, विश्वास की। और मेरा दिल कह रहा है कि राधा जो है अंदर ही है। और मुझे राधा तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
छोड़ी मैं नहीं। तो भी होगा जब आप हमें पूरे मन से स्वीकार करेंगे। जब हम हमारे राजकुमार को प्रेम होगा। डॉक्टर डॉक्टर राधा कैसी है? वो ठीक तो है ना डॉक्टर? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? राधा राधा कैसी है? वो ठीक नहीं है। इट्स सीरियस हाइपोथर्मिया। फिलहाल हम कुछ कह नहीं सकते। ये कैसे हो सकता है डॉक्टर? वो बिल्कुल ठीक थी। उसने अपनी आंखें खोली थी, मुझसे बात भी की थी उसने। आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? प्लीज, शायद वो आप सबको देखना चाहती थी एक आखिरी बार। क्या क्यों? देखिए, ऐसा कभी कभी हो जाता है इंसानों में कि उनकी इच्छा शक्ति उनकी शारीरिक शक्ति से बढ़ जाती है, पर अब अनफॉर्चुनेटली राधा का शरीर हारने लगा है। नहीं डॉक्टर साहब, राधा ने इतनी कठिन परिस्थिति में भी हार नहीं मानी थी, तो अब वो हार कैसे मान सकती है? आपको पता नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन राधा ने अपनी जान बचाने के लिए वहां क्या कुछ नहीं किया। उसने कोल्ड स्टोरेज में आग जलाई थी। कार्डबोर्ड से अपने आप को बचाने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब। और तो और एग्जॉस्ट फैन को रोककर उसे तोड़कर उसने बाहर निकलने की कोशिश की थी डॉक्टर साहब, और जाने पता नहीं क्या क्या किया था। वो कैसे हार मान सकती है? शायद इन्हीं कोशिशों की वजह से अब तक वो जिंदा है। मेरी बेटी को हाथ भी लगाए ना तो याद रखना।
हो गई हो क्या गुनगुन की तरह? गुनगुन सही कह रही है, तुम दोनों ना इसी लायक हो हैं? मेरी जिंदगी में अगर कुछ सबसे बुरा हुआ है ना, तो वो है तुमसे मेरी शादी। काश तुलसी की तरह हमेशा के लिए तुम मेरी लाइफ से चली जाओ, कभी लौट कर ना आओ। जिंदगी बिगाड़ी है ना, उसके बाद क्या ही बिगड़ जाएगा मेरा? मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम जाओ यार यहाँ से। मोहन जी। ठीक है, मत जाओ। काश मेरी बेटी तुमसे मिली नहीं होती, काश तुम मेरी और गुनगुन के लाइफ में आई नहीं होती यार। मोहन जी। बताया रहा था मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। सॉरी राधा, अगर मैंने फोन पर तुम्हारी बात सुन ली होती और तुम्हारे पास जल्दी पहुंच गया होता तो